एक बच्चे सहित तीन लोग जो है वो बाइक सवार होकर कन्हारपुरी जा रहे थे और ये हादसा हुआ है। दो बच्चे और एक युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल है और एक जो है वो अब मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक का नाम बेदराम बंजारे बताया जा रहा है, 36 वर्ष उम्र है और पदुम उत्तराखंड निवासी बताया जा रहा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। में योगेश्वर भिलाई डैम देखना शुरू कर चुके हैं आप। राजनांदगांव में एक बार फिर से बड़ा सड़क हादसा हुआ है। लगातार हम आपको सड़क हादसे की खबरें बताते आ रहे हैं। एक बार फिर से राजनांदगांव के कन्हारपुरी बाईपास लखोली मुरुम खदान के पास ये सड़क हादसा हुआ है। आप देख पा रहे हो डीआई के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। दो युवक और एक बच्चे जो है वो अपनी बाइक से लखोली से होते हुए कन्हारपुरी जा रहे थे। बताया जा रहा है कि वो तीनों जो है वो पदुमतरा के निवासी और कन्हारपुरी में उनका ससुराल है। तो एक बच्चे सहित तीन लोग जो है वो बाइक सवार होकर कन्हारपुरी जा रहे थे और ये हादसा हुआ है। दो बच्चे और एक युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल है और एक जो है वो अब मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक का नाम बेदराम बंजारे बताया जा रहा है, 36 वर्ष उम्र है और पदुमतरा का निवासी बताया जा रहा है। हम एक्सीडेंट को समझने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि वो एक साइकिल से टकराया, टकराने के बाद उस डीआई के नीचे आ गया और डीआई की चपेट में आने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसे ये यहाँ से इधर से गाड़ी आई, वो जो टकराए थे जो ना वो जो एक लेडीज को ऐसे ठोंके उसको क्या है इधर ऐसा मतलब क्या है अपने को टर्निंग मारना है और टक्कर में को मार दिए लेडीज को। वो लेडीज बोली कि इन लोग की गलती है करके बोल रहे थे और उसके बाद में ना इधर जो जाके ना इधर फ्लिस कहने का मतलब गिर गई। अच्छा, गिरने के बाद में इस हल्का सा स्पीड था, उतना ज्यादा नहीं था और ये सामने में जो ट्रक वरक है ना इनके कारण भी थोड़ा सा नुकसान है यहाँ पर। ये जो सामने खड़ी है तो उसका उधर भी कुछ जाते सीधा चलाते तो ये सब थोड़ा सा तकलीफ है। और उसके बाद में वो जो पीछे से ब्रेक नहीं वो पीछे वो गाड़ी की गलती नहीं है, वो सामने वाले की है ना। वो जो है ना इधर से इधर बचाने के चक्कर में कहने के बाद हल्का सा टक्कर हुआ, वो गाड़ी गिर गई ऐसा है। उसके बाद में ये वो उसका मुंडी जो है ना वो चक्के में एक का आया, दो घायल है। हाँ हाँ, आसपास के लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रक के कारण भी हादसे होते रहते हैं जो सड़क पे खड़े हो गए। सही बात है, ये सामने है तो सीधा सीधा कहने का मतलब वो सीधा भी ले जा सकते थे कहने का मतलब। अब उसको इधर अब गाड़ी पीछे से ही आ रही तो उसको भी बचाना है, इसको भी बचाना है। अब हल्का सा टक्कर लेकिन उस लेडीज को जो सामने में जो हुई ना जिसके साथ टकराई है वो कुछ नहीं हुआ, उनको एक खरोच नहीं आया लेकिन सदमे में एक डेढ़ घंटा तक यहाँ बैठी थी। मौके पर मैं था और उनके बच्चे को मैं खुद आधा घंटा हाथ में गोद में लेके बिस्किट भी ले लिया हूँ वहां से बिस्किट भी, लेकिन वो खाएगा कहाँ से महाराज। और तो भाई इतना सदमा है तो कहाँ से खाएगा। तो लखोली बाईपास में एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और लाइन से आप ट्रक देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से अवैध रूप से पार्किंग की है, सड़क को घेर के रखा गया है। इसके वजह से लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं और वार्डवासी काफी परेशान हैं और इनका कहना है कि आसपास जो है वो काफी अंधेरा भी छाया रहता है और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया आए दिन यहाँ कुछ ना कुछ बड़ी घटना घटती रहती है तो मैं शासन प्रशासन से यही चाहूँगा कि रात में यहाँ गश्त भी बढ़ाएं जिससे दुर्घटना में कमी आए। सड़क चौड़ीकरण सड़क तो चौड़ीकरण बहुत आवश्यक है क्योंकि सिंगल रोड होने के कारण आए दिन यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाते हैं और कई घटना भी घटते हैं और दो दो हाई स्कूल की रास्ता यहीं से होके गुजरते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि स्कूल बच्चे को भी ध्यान में रखते हुए इस रोड को चौड़ीकरण डिवाइडर वाला बनाया जाए जिससे आवागमन सुविधाजनक हो और सबसे पहले तो स्पीड ब्रेकर लगाया जाए जिससे ब्रेक स्पीड में कंट्रोल किया जाए। धन्यवाद भैया। और लगातार अगर रात की बात करें तो मवेशियों का डेरा हमेशा रहता है, सड़क में आए दिन जाम की स्थिति रहती है, छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं और बताया जा रहा है कि इस बाईपास के पास कहीं ना कहीं अवैध रूप से शराब भी बिक्री होती है। ये भी प्रमुख कारण हो सकता है क्योंकि चौक में ही शराब बेची जाती है तो ऐसे में भी हादसे की और दुर्घटना की आशंका जताई जा सकती है। सामने सीसीटीवी भी लगा हुआ है, ऐसे में सीसीटीवी के भी माध्यम से इस प्रकार के अपराध को नहीं रोका जाता तो पुलिस प्रशासन पर कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा उठता है। आगे भी तस्वीरों के माध्यम से दुर्घटना की बताने की कोशिश करेंगे। मैं योगेश सिंह। रोड तो बना है, रोड बने हैं फिर इसमें ब्रेकर नहीं है, ब्रेकर बनी तो एक्सीडेंट होना बंद हो। और रोड में आए दिन ट्रक गाड़ी खड़े होना,
जहाँ गाड़ी रखना है वहाँ रखा है नहीं, ब्रेकर चाहिए स्पीड ब्रेकर। बाईपास से लेकर लखोली नाका तक कहीं स्पीड ब्रेकर नहीं है। स्पीड ब्रेकर की मांग कितना बार कर चुके हैं? दो बार कर चुके हूँ। कितना समय हो गया? अभी बहुत पहले तो डाले रहूँ एक बार और अभी मैं और पकड़े हूँ 22-10 के जो कलेक्टर द्वारा मैं दे रहे हूँ विज्ञापन। शासन का आश्वासन देते स्पीड ब्रेकर को लेकर, करवाबो कथे। लखोली क्षेत्र में कितना ब्रेकर है? लखोली में एको ढन नहीं है, बाईपास में भी नहीं, बाईपास में भी नहीं है। अच्छा, अगर स्पीड ब्रेकर नहीं बनने का कुछ आप होंगे? अब बैठबो रोड में भाई, हमारे घर के नान नान लड़का है, हम वो रोड में चलत हन, आए दिन गाड़ी घोड़ा इतना स्पीड चलत रहते, कहे ब्रेकर बनी तो कर से थोड़ा कम हो जी, धीमी हो जी गाड़ी घोड़ा चलाना। मना तीन जन रही से एक ठन गाड़ी में, एक ठन तो छोटे से बच्चे रही से और एक युवा लड़का रही से और खत्म होने वाला भी युवा लड़का रही से। अब वो उतना तो नहीं मालूम कहाँ जाती से, फिर ऑन द स्पॉट में ही खत्म हो गए हुआ, वो कारण ब्रेकर के वजह से। ब्रेकर रहती तो आज नहीं बच जाती हुआ। ये रोड में तीन चार प्रकार की बहुत सी समस्या है, आए दिन इसमें दुर्घटना होती रहती है। आज इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है जिसमें एक बच्चा बाल बाल बच गया, उसका पिताजी का देहांत हो गया है। सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक इतनी गायें रहती इस रोड में कि पूछो नहीं। पशुपालक लोग अपनी गायों को रोड में छोड़ देते हैं, भारी वाहनों को रोड में खड़े कर देते हैं। और ये रोड सबसे बड़ी तो चौड़ीकरण की मांग करती है, ये वार्डवासी ये चाहते हैं कि रोड चौड़ीकरण हो, इसमें ब्रेकर लगे। और सबसे बड़ी समस्या को ये जो गायें हैं उसको निगम प्रशासन उठा के कहीं ले जाए, क्योंकि इतनी गायें हो गई हैं कि पूछो नहीं। बोले